हाउंटिंग ऑल की रोमांचक वीडियोस के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मुंबई एडिशन के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी है साउथ मुंबई के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके की, जहाँ पे बसा है ये बीके गार्डन। आसपास की भीड़ के बावजूद भी यहाँ एक अजीब सा खालीपन पाया जाता है। दिन के वक्त तो ये जगह बच्चों के खेलकूद और बूढ़ों के टहलने की सबसे पसंदीदा जगह होती है, पर रात को इसका रूप कुछ बदल सा जाता है। ऐसी ही एक रात थी जब विशाल और उसके कुछ दोस्त हमेशा की तरह पढ़ाई के लिए वहां जा रहे थे। वो जगह उनका फेवरेट स्टडी कॉर्नर हुआ करता था। शाम को जाते हुए उन्होंने समोसा और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी साथ में ले लिए, ताकि पढ़ाई करते करते पार्टी भी हो जाए। रात के 10 बजे थे। गार्डन तो हमेशा की तरह बंद था, पर स्टडी कॉर्नर खुला होता था। उन सब ने अपनी कॉपीज निकाली और कुछ 2 घंटे तक जमकर पढ़ाई की। 12 बज गए और अब सबको नींद आने लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ब्रेक लेकर कुछ खाया जाए। नाश्ता बैग से निकालते हुए विशाल ने देखा कि चिराग के बैग में प्लैंचेट का बोर्ड पड़ा था। उसने कहा, ये प्लैंचेट का बोर्ड तेरे पास कैसे आया? अरे, दादी के रूम से मिला। कई सालों से यहाँ की भूतिया कहानियां सुन रहा हूँ, सोचा आज सच क्या है पता करते हैं। अरे वाह, मजा आएगा। सुना है ब्रिटिश के जमाने में उनका यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था। यहाँ कोने में भी बहुत सारे कंकाल मिले हैं। जो भी हो, मुझे इन सब में मत घसीटो, मुझे नहीं करना प्लैंचेट। काफी देर मनाने के बाद आखिर विशाल मान ही गया। उन तीनों ने बोर्ड पर उंगलियां रखी और आत्माओं का ऐलान किया। वो तीनों बहुत डर गए। लाइट आते ही उनकी जान में जान आ गई। मैंने कहा था ना, ये सब बकवास है। फालतू में ही डर रहे थे हम तो। उसी वक्त कोने में खड़ी एक लड़की उन्हें घूर रही थी, पर उनमें से किसी की नजर उस पे नहीं पड़ी। वो जैसे ही वहां से जाने के लिए निकलते हैं, वो लड़की उनका पीछा करती है। तभी अचानक उस लड़की के कंधे पे कोई हाथ रख देता है। कोई फायदा नहीं है बेटा, ये लोग 1 साल पहले ही मर चुके हैं। उस रात के बाद दूसरे ही दिन उनकी लाशें गार्डन के अलग अलग कोने में पाई गई, वो भी बहुत दर्दनाक हालत में। लड़की के पिताजी उसे बताते हैं कि ये तीनों की आत्माएं ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो मर चुके हैं। वो हर रात यहाँ आते हैं और वही मंजर दोहराते हैं। ये और ऐसी कई कहानियां जुड़ी हैं इस जगह से। ऐसी ही कहानी के लिए सुनते रहिए हाउंटिंग ऑल।